ऑल प्रोग्राम्स में जाके टोटल क्रोम का एक फोल्डर बना हुआ होगा जिसमें उसके सारे ये जो ऑप्शंस हैं, उसमें हमारे पास होता है टी सी नेविगेटर, टी सी एन ए वी शॉर्ट फॉर्म में। मैंने इसका शॉर्टकट यहाँ डेस्कटॉप पे बना के रखा है, तो आप इसको पहले क्लोज कर दें और ये टी सी नेविगेटर ओपन करें। जैसे ही टी सी नेविगेटर को क्लिक करेंगे आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र नेम है मैनेजर, पासवर्ड है परकिन, पी ई आर के आई एन। जैसे ही आप ये पासवर्ड एंटर करेंगे आपके पास ये विंडो आ जाएगी और यहाँ पे रेड राइटिंग में ये तीन चार ऑप्शंस आएंगे, जीसी, नो मेथड, एक्विजिशन ऑडिटा, आईएफ रिलीज, सीएमडीएन। अगर इनके अलावा पोर्टकॉम कम्युनिकेशन या समथिंग लाइक दैट कोई एरर हो तो यानी कि आपका जीसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हुआ। वजहें बहुत सी हो सकती हैं, केबल कनेक्ट नहीं है, जीसी ऑफ है, या जो है शट डाउन प्रॉपर नहीं हुआ, जीसी रेडी नहीं है, ये तीन चार वजहें हो सकती हैं। इसको स्टार्ट करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपका कंप्यूटर ऑन होना चाहिए विथ ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई चीज़ ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जीसी ऑन करना है। एफ आई डी इग्नाइट तो नहीं है, हाँ तो वो बंद नहीं कर सकते, ठीक है। सबसे पहले कंप्यूटर, देन जीसी, वेट फॉर द रेडीनेस ऑफ द जेट। चाहे तो रिकॉर्ड कर लें इनकी बातें ताकि आपको प्रॉब्लम। सर वो रिकॉर्डर लगाया हुआ है। हां लगाया है, माइक अवेलेबल है मेरे पास। माइक अवेलेबल है मेरे पास, हां ये है ना, ये अवेलेबल है एग्जैक्टली, ठीक है। कंप्यूटर, जीसी, वेट फॉर रेडीनेस ऑफ जीसी। उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है जस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड देके, तब आपके पास ये रेड राइटिंग में ये तीन चार चीज़ें लिखी हुई आएंगी। उसके बावजूद भी अगर ऐसा कोई कॉम पोर्ट का एरर आए तो आपको क्या करना है, सिंपली ये जो सीक्वेंस मैंने बताई वो दोबारा रिपीट करनी है, सारी चीज़ें शट डाउन करके। After that, run में left click करके आपको take control लेना है। Take control से ये होगा, यहाँ पे आ जाएगी CMD, command seizing। इससे ये होगा कि आपका instrument जो है ना computer के software के साथ handshake कर लेगा और आपका GC जो है ना external control पे चला जाएगा, यानी कि software control में आ जाएगा, मैनुअल से हट जाएगा। वहाँ पे यहाँ पे एक्सटर्नल रन रन जो है वो शो होगा, ठीक है। जब वो एक्सटर्नल कंट्रोल पे चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका जीसी रेडी, लेकिन पहले वो रेड राइटिंग में होगा, आफ्टर सम पीरियड ये ग्रीन राइटिंग में हो जाएंगे। तो वेट फॉर द राइटिंग ग्रीन, वो तो काफी टाइम लगेगा, नहीं IF not ready आ रहा है क्योंकि green writing में नहीं है, interface not ready, interface ready होने के लिए wait कर रहे हैं। GC ready है, interface not ready।
से टेम्परेचर असाइन है और सॉफ्टवेयर से असाइन नहीं है, तो दोनों को कम्युनिकेट करवाने के लिए इसको भी हमें मेथड बना के असाइन करना है। मेथड डेवलपमेंट में सबसे पहले आप आएंगे बिल्ड में। बिल्ड में आने के बाद आपको ये विंडो नज़र आएगी जिसपे लिखा हुआ क्रिएट न्यू मेथड, लोड मेथड स्टोर्ड ऑन डिस्क, लोड रिसेंटली एडिटेड मेथड। तो हम सबसे पहले या तो हमारे पास मेथड बने हुए हैं हम वो रिट्रीव कर लें, या रिसेंटली जो एडिट किया है वो रिट्रीव कर लें, या न्यू बना लें। न्यू बनाने से हमें सारी चीज़ें पता चलें कि मेथड कैसे बनता है। ओके करने के बाद वो अगर हमारे पास तो एक ही इंस्ट्रूमेंट इस सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट है, अगर तीन चार इंस्ट्रूमेंट है तो सारी यहाँ पे लिस्ट आ रही होती कि आप कौन से पीसी पे काम करना है, कौन से सिस्टम पे काम करना चाह रहे हैं। फिलहाल हमारे पास एक ही है, वो ही सिलेक्ट करके हम उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ठीक है सबसे पहले आएगा डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको मेथड को एक डिस्क्रिप्शन देनी है कि ये मेथड हम बना रहे हैं फॉर दैट पर्पस। आप कोई भी नाम इसको देके इसको कर सकते हो, जस्ट लाइक मैं दे रहा हूँ इसको टेस्ट, या कोई डेट दे दूँ जो भी। ये चीज़ देने के बाद आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद ये इंस्ट्रूमेंट नोट्स कि आपकी जो रिपोर्ट जनरेट होगी या जो आप मेथड लिखेंगे उसके पास हेडर टैग्स आना चाहिए कि ये मेथड हमने इसलिए बनाया था, उसकी बेस नंबर ये है, उसका फाइल नंबर ये वगैरह वगैरह। ये अगर देना हो या इंस्ट्रूमेंट के ये पैरामीटर्स हैं तो आप यहाँ से जाके उसको बता सकते हैं भाई जीसी है, कैपिलर जीसी है, एचपीएलसी, जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो दे देंगे। लेकिन मोस्टली हम इसको नन रखते हैं, वजह यही होती है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट है, हमें पता है कि हेडर टैग्स क्या है, और हम फालतू में कॉम्प्लिकेशंस क्यों बनाएं उस रिपोर्ट के लिए या वो मेथड के लिए डिस्क्रिप्शन के लिए। जस्ट आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, लेट्स से मल्टी यूजर्स हैं ना, ठीक है आप आए आपने कोई और थोड़ा सा मैं आपसे वो करना था, मुझे भूल गए हमारे पास इसका ये जीसी पड़ा हुआ है, पुराना जीसी है, क्या उसको हम इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं? सिवाय सिर्फ उसकी ये केबल हमारे पास अवेलेबल हो जो किसके साथ कम्युनिकेट करती हो, क्योंकि वो ओल्ड मॉडल है, हमें नहीं पता कि उसके साथ वो कम्युनिकेशन केबल है या नहीं, या उसमें ये सिस्टम में ये कैपेबिलिटी है इनके पास जो ये मॉडल नहीं है। सिग्मा में क्या था कि इनके अंदर बिल्ट इन पीसीस थे, हां वो इनकी इंटरनल कम्युनिकेशन, मैं वही बता रहा हूं कि नहीं, मैं थोड़ा सा बता, मुझे यहां एक बार बताया कि हमने इसके बेस पर कंप्यूटर भी अटैच किया था। अच्छा किया, अगर इसमें मैं वही आपको बताया कि अगर इसकी कम्युनिकेशन है तो करते हैं हम इस पे कोशिश करते हैं। हमने पहले कंप्यूटर को दिन अटैच किया था ना, एक प्रोग्राम लगा था मतलब हम इससे डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, मैंने आपसे वही बात है कि ये ओल्ड मॉडल है, हो सकता है इसमें कम्युनिकेशन की वो फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो। अगर कोई न्यू मॉडल होता और उसमें ये कैपेबिलिटीज भी हैं और वो केबल कम्युनिकेशन केबल भी है तो हम इसको कर सकते हैं। इवन हमें सिर्फ सिग्नल के लिए डिजिटल आउटपुट मिल रहे होते हैं तो हम कुछ कर सकते हैं। इवन के इस सॉफ्टवेयर के साथ ये है कि आप जीसी के साथ इसका इसके साथ एचपीएलसी भी अटैच कर सकते हैं। सिर्फ पर्किन का नहीं, एजी लैंड का भी, सिर्फ उसके लिए आपको वो जो परमानेंट लाइसेंस है उसमें कुछ पैरामीटर्स बताए हुए हैं एजी लैंड के लिए, वो आपके परमानेंट लाइसेंस में अवेलेबल है, वो सिर्फ इंस्टॉल करने, यानी लाइसेंस से वो हमें पैरामीटर्स इंस्टॉल करने। ठीक है, तो हम इंस्ट्रूमेंट नोट्स में नन करके नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगी डेटा एक्विजिशन। डेटा एक्विजिशन में ये होता है कि आप कौन सा चैनल सेलेक्ट कर रहे हैं, सैम्पलिंग रेट आपका क्या है, और आपका रन जो है वो स्टोर्ड कहाँ हो, कहाँ से वो रिट्रीव हो। ठीक है, अब डेटा चैनल में हमारे पास चैनल एक ही अवेलेबल है बाई चांस, तो हम उस पर वो एक ही सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हमारे पास दो चैनल होते तो हम ड्यूअल भी कर सकते हैं या ए और बी भी कर सकते हैं, भाई जो हमारा एक्टिवेट हो उसको सिलेक्ट कर लो। चैनल बी एंड यू डोंट यूज चैनल बी, आप यूज चैनल बी पे नॉट इंजेक्टेड।
उसके बाद है सेट डेटा रेट। सेट डेटा रेट में ये है कि बाय पीक विड्थ एट द बेस्ट या बाय सैम्पलिंग रेट पॉइंट्स पर सेकेंड। मोस्टली हमारे जो क्रोमेटोग्राफी के प्रोडक्ट्स हैं हम उसमें बाय सैम्पलिंग रेट पॉइंट्स पर सेकेंड्स करते हैं। वजह इसकी यही होती है कि हमें नहीं पता कि हम सैंपल जो रन करना चाह रहे हैं उसकी पीक विड्थ कितनी होगी या उस बेस पे वो कहाँ आएगी, कहाँ लोकेट होगी, इसलिए हम इसको कहते हैं सैम्पलिंग रेट। जैसे जैसे उसको सैम्पलिंग रेट मिलता जाएगा उसी हिसाब से उसकी पीक आ रही होगी, इसलिए हम उसको सैम्पलिंग। और सैम्पलिंग रेट में आप पॉइंट्स बढ़ा भी सकते हैं, 12.5, 6.5, 25, ये आपके एनालिसिस के ऊपर है कि हमारे एनालिसिस जो हमारा एनालिसिस सैंपल करना चाह रहे हैं उसके लिए बेटर क्या रहेगा। जैसे ही आपका सैंपल पास होगा उसी के रेट के हिसाब से पॉइंट्स जनरेट होंगे। ये सिग्नलिंग ये आप जो ग्राफ देखो जो आपको पीक मिलती है उसे एक सैंपलिंग एरिया अंडर द कर्व उसका रेशियो भी बड़ा फिर आप अपनी एनालिसिस में देखोगे कि आपकी पीक जैसी आ रही है ठीक है ये डिफॉल्ट वैल्यू 12.5 नॉर्मली इसके अंदर जो पीक्स रिजॉल्व होती हैं वो आपकी ओके होती है। लेकिन आप अगर इसमें कॉस्मेटिक्स कुछ करना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन में इसकी पीक की जो अंडर द कर्व वो क्योंकि सैंपल आपका एक दफ़ा पास नहीं होता वो कंटिन्यूसली पासिंग हो रहा है तो जैसे ही वो वहाँ से कॉलम से पास होता रहेगा डिटेक्टर तक पहुँचा रहेगा उसके हिसाब से वो पॉइंट्स जनरेट होती रहेंगी उन दोनों का रेशो मिला के एक पीक आपके पास चलेगा। रेट ये रेट आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंडली चैनल ए पे डिटेक्टर ए लगा हुआ है वो हम डिटेक्टर ए हमारे पास बाई चांस चैनल ही एक है तो डिटेक्टर ए उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया और वो एक्टिवेट कर लिया ठीक है। और ये दो चीज़ें हैं डिले टाइम पर मिनट रन टाइम पर मिनट ठीक है। ये हम आगे जाके उसको डिफाइन करेंगे कि भाई जो हमारी प्रोग्रामिंग होगी हमारे टेम्परेचर्स की या वो जो रैंपिंग बनेगी उस हिसाब से हमारी वो उसका रन टाइम के एनालिसिस के लिए कितना रन टाइम होना चाहिए ये अगर हम आगे जाके सेट करेंगे। कंट्रोल जिसमें आपको कैरियर का प्रेशर सेट करना होगा, डिटेक्टर के टेम्परेचर असाइन करने होंगे, ओवन के टेम्परेचर असाइन करने होंगे और इंजेक्टर के टेम्परेचर असाइन करने होंगे। यहाँ आप सारे टेम्परेचर पैरामीटर्स, कैरियर का प्रेशर ये सब चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। रन टाइम कितना है टोटल वो भी आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं ठीक है। रन टाइम तो आप रन टाइम कैलकुलेट करके दे देगा, बिल्कुल कैलकुलेट करके देगा आपको। जितना आप होल्ड टाइम रखेंगे ओवन का वो आपका ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं ओवन इनलेट्स पे। अब ये है कि इसने बताया कि इनिशियल में आपका टेम्परेचर 0.0 से स्टार्ट होगा तो उसने खुद ही इसलिए डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद आपको टेम्परेचर 50 रखना है, 80 रखना है कि इनिशियल में यहाँ स्टेबलाइजेशन पे इतना हो और उसका होल्ड टाइम इतना हो, इतने टाइम तक वो होल्ड रहे उस टेम्परेचर तक, उसके बाद बढ़ना शुरू करें या नहीं जो आप सेटिंग करेंगे उसी हिसाब से होगा। कि जे अगर ये 50 है मैं इसको कहता हूँ कि भाई 2 मिनट तक वो 50 रहे, उसके बाद सेकंड जो है आफ्टर दैट 2.0 अब जो है टेम्परेचर जो पर मिनट के हिसाब से अब जो है मैं ओवन के रखता हूँ। ये होता क्या है कि बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है उसको उसके अंदर जो आपके कंपोनेंट्स डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर इल्यूड हो रहे हैं ठीक है। तो ये आप एक रैंप डिजाइन कर रहे हैं, आप इसको सिंगल टेम्परेचर भी दे सकते हैं। हाँ लेट्स से आपके इसको ये कंपोनेंट है ठीक है उसको आप
मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, तो आपको पता है कि ये कंपोनेंट कितने टेम्परेचर से वो इल्यूट हो सकता है, और दूसरा कंपोनेंट उसके लिए टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से उसकी सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज देखिए रैंपिंग आपने देखा सर, मैं आप लोगों को इसमें बता दूं टेम्परेचर पे लाए रहे से फॉर एग्जांपल को मैं करता रहा हूँ 20.5 ठीक है। अब ये आपको नेक्स्ट पे जाने के लिए या करियर पे जाने के लिए आपको ये कर्सर जो है आपको यहाँ रखना होगा, उसी पे कर्सर रखने के बाद वो नेक्स्ट नहीं लेगा, एरर क्योंकि वो उस वैल्यू को रीड नहीं कर रहा है, ठीक है, वो इनपुट मोड में है, इस वजह से आप नेक्स्ट लाइन पे आगे जब तक इंटर नहीं करोगे लूप एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये चीज़ें आ रही हैं कि हमारे पास कूलेंट लगा हुआ नहीं है, इसलिए हम ऑफ कर देंगे। बाजू का क्या होता है, कुछ सैम्पलिंग होती है, ठीक है, उसमें एम्बियंट टेम्परेचर में ग्लो हो जाते हैं, ठीक है। लेट्स से लीजिए आपका एलिमेंट है वो 25 डिग्री पर हो रहा है बिलो एम्बियंट टेम्परेचर, ठीक है, या 20 डिग्री पर हो रहा है या 5 डिग्री पर, उसके लिए इसके ओवन में एक एसेसरी लगती है कूलेंट एसेसरी, उसमें आप लिक्विड नाइट्रोजन बताया गया 350, लेकिन हमने जो है 3150 रखा हुआ है, तो हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये मैक्सिमम सर बताया गया। इंजेक्टर ए पे आप जो टेम्परेचर साइन करना चाहें, इंजेक्टर के और डिटेक्टर के टेम्परेचर ये आपकी एप्लीकेशन पे डिपेंड करते हैं जी, अगर मैक्सिमम टेम्परेचर कम से देंगे जो कॉलम का टेम्परेचर है आपके जो ओवन है ना वो मैक्सिमम इस टेम्परेचर तक जा सकता है, इसकी लिमिट बताइए, उसके बाद आपकी जो कॉलम्स है ना उसके ऊपर आपके कॉलम के ऊपर टैग लगा होगा, उसके ऊपर उसके मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर मेंशन होते हैं, उसके रेफरेंस से आपने अपने टेम्परेचर वही पूछ रही हूं कि अगर लेकिन अवन जो है इसका हार्डवेयर जो इतना टेम्परेचर बियर ओके, तो कॉलम का जो शटडाउन है वो यहां से नहीं देना या कहीं और से ऑप्शन है, कॉलम का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उसका शटडाउन टेम्परेचर अगर हम दे रहे हैं वो यहां से देंगे, यहां से देंगे या कोई ऑप्शन है सिर्फ ओवन का टेम्परेचर यहाँ मेंशन करोगे, आपने जितना टेम्परेचर देना है ना ओवन बैक की, ठीक है, आपने जितना टेम्परेचर देना है ओवन को और जितने टाइम के लिए देना है वो यहाँ मेंशन करोगे, क्लियर, उसको जितने टाइम के लिए होल्ड रखना है वो यहाँ दोगे आप। लेकिन इन केस हम जरा सेफ्टी वॉल जो होती है सेफ्टी वॉल ही आपकी लगी हुई थी क्योंकि यहाँ ये शट ऑफ हो गया, अच्छा ठीक है, इससे अगर एक्सीड आपने दे दिया इस टेम्परेचर पे जाके ये शट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये इसकी बैरियर है, कॉलम का मैक्सिमम टेम्परेचर इज 250 सो शुड आई सेट दिस वैल्यू 250 250 बट आप मैक्सिमम पे कभी भी कॉलम को रखते नहीं हैं, उससे लेस करते हैं, टॉलरेंस लिमिट रखते हैं, अभी अगर हमें पता है ये कॉलम की सेफ वैल्यू जो है ना अब जो अपर लिमिट है दैट इज 250 तो हमने यहां पे ओवन रखा हुआ है 350 समहाउ टेम्परेचर इंक्रीजेस तो कॉलम तो डैमेज हो जाएगा, तो फिर हम इसको 250 ये क्या किया हुआ है कि ये एक सेफ्टी पॉइंट दिया हुआ है, इट इज नॉट द टेंपरेचर ऑफ ओवन करंटली, करंटली टेंपरेचर्स आर दैट, यस वी नो दैट बट समहाउ इफ द टेंपरेचर एक्सीड्स और समहाउ टेंपरेचर एक्सीड नहीं होगा ना, व्हाई शुड इट जब आपने सेट 150 रखा हुआ है, व्हाई शुड एक्सीड फ्रॉम दिस लिमिट, जब आपने सेट पॉइंट 150 रखा है 150 सो हाउ दे वुड इंक्रीज फ्रॉम दिस, ये सिर्फ एक बताया गया है कि इस 350 से ऊपर नहीं जाइएगा, this is the limit cut off limit, this would not exceed happy with it. I'm not happy with it. Why? नहीं मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, इन केस हम लोग क्या करते हैं कि हर कॉलम के हिसाब से अपनी टेम्परेचर लिमिट्स चेंज करते हैं, ठीक है, यहां से यहां पर कैसे लिमिट्स चेंज कर देते हैं, लेकिन मैंने एक कॉलम लगाया है मुझे पता है दिस ऑपरेटिंग 350 लेकिन जो दूसरा ऑपरेटर आता है तो सॉफ्टवेयर में कोई ऑप्शन नहीं है यहां से वो देख सके कि कॉलम की मैक्सिमम लिमिट क्या है, कॉलम की मैक्सिमम लिमिट क्या है, इस तरह का सॉफ्टवेयर में कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है, ये डिपेंड करता है आप
आपकी मैन्युफैक्चरर ऑफ कॉलम है, ठीक है ना, उसकी आपके पास डेटा होनी चाहिए कॉलम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने किसी जैसे जो है वो रेस्टेक का कॉलम लगा दिया और उसकी पैरामीटर्स यहां, क्योंकि अगर ठीक है आपने कॉलम चेंज किया, आपने इसको काम करते हैं और हम ठीक है उनको दे नो अबाउट द कॉलम, ठीक है ना, उनको कॉलम का पता होना चाहिए, उनको कॉलम का ही पता होना चाहिए, इसे मैक्सिमम टेंपरेचर इवन के सिस्टम को भी तो बताना है, ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन नहीं है, उसी के बिहाफ पे आप इसके मेथड डेवलप करोगे, ठीक है। आपके पास मल्टी यूजर है, आप अपने नाम के फोल्डर्स बनाए, उसमें अपने जो मेथड डेवलप कर रहे हैं अपने अपने मेथड्स आप, अगर सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन होता तो एक नुकसान, उसका एक डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है कि आपको कॉलम डेडिकेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम को भी तो पता होना चाहिए, मेरे साथ कॉलम कौन सा अटैच हो रहा है, सिस्टम को तो ये पता होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम, तो उसके लिए अगर ये चीज़ कर दे सॉफ्टवेयर में तो आपको कॉलम डेडिकेट करवा देंगे, जिसकी वजह से ये तो आप कह रहे हैं कि इसको छेड़ना नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन है जिसको फ्लेक्सिबल है, आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, जब आपने नया कॉलम इंस्टॉल किया अकॉर्डिंगली आपने कंडीशन सेट कर दी, तो आपने कॉलम निकाला, आप वापस जो कॉलम लगा हुआ अकॉर्डिंगली कंडीशन सेट कर दें, दिस इज फॉर द सेफ्टी फॉर द कॉलम, इसमें ड्रॉबैक तो कोई नहीं है, लेकिन दिस सॉफ्टवेयर तो मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूं, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूं, हां वो मैंने कहा मुझे नहीं ऑप्शन आए या कोई नहीं, दैट्स इट, ये ऑप्शन है आपके पास जो आप चाह रहे हैं वो इन पैरामीटर्स के अंदर है, ठीक है ना, दिस इज नॉट इन दिस पैरामीटर, इसको आप भूल जाओ, इसको एक साइड पर, ठीक है, समझ रहे हो बात, ठीक है ठीक है। वो जो आप कह रहे हो ना कि अकॉर्डिंग टू कॉलम जो आपने टेम्परेचर देने वो यहाँ से आगे, ठीक है, यहाँ ये शट ऑफ हो जाएगा जो आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ से आगे नहीं जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। सिर्फ एग्जांपल अगर कोई कहना चाहता है कि मुझे 400 ओवन का टेम्परेचर रखना है, वो नहीं कर सकता क्योंकि 350 इसका मैक्सिमम है, कैरियर यहाँ से कैरियर सेट पॉइंट हम जीरो रखेंगे, वजह यही होती है कि कैरियर को हम वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं, अगर हमने यहाँ से रखा तो वो वहाँ से आएगा और यहाँ से डिफरेंट होगा, तो मिस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, हमने यहाँ पे 0.0 इसमें और कोई चीज़ चेंज करने जैसी नहीं है। अब आएंगे हम डिटेक्टर पे, डिटेक्टर में वही चीज़ हमें करनी पड़ेगी, हमें उसको टेम्परेचर बताने होंगे, आई थिंक डिटेक्टर और इंजेक्टर का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट रेंज 20, कितनी रखी रेंज 20 है, रेंज कितनी है 20 है, ये सेंसिटिविटी होती है एफआईडी की, सेंसिटिविटी कितनी इम्प्रूव करनी चाहिए, कितनी रखनी चाहिए, उससे क्या है कि रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा, रेंज टेम्परेचर उसकी एफआईडी की, इससे क्या है कि डिटेक्टर की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, बाज़ों का ऐसा होता है कि हमारे कुछ सैंपल्स ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें मिली वोट ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें सेंसिटिविटी बढ़ा के उसकी रेंज रेजोल्यूशन, टेम्परेचर तो 200 रखा हुआ है, ये रेंज 20 रखी है, टाइम कॉन्स्टेंट इसलिए दिया हुआ है कि इसका जिस तरह वो मैंने बताया कि होल टाइम इसका कितना रखना चाहिए और इतनी देर तक इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा 200 मिनट तक, या आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं 50, 200 and 800, ये उसकी लिमिट्स दी हुई हैं कि यहाँ तक इसका टाइम कॉन्स्टेंट रहेगा इस टेम्परेचर, टाइम कॉन्स्टेंट हम इसलिए सेट करते हैं कि डिटेक्टर को हमने टेम्परेचर असाइन कर दिया 200, वो 200 कितनी देर तक रहे, अगर आपका सैंपल पास हो गया है फिर भी उसका 200 रहे, आपको वैसे ही कूल डाउन करना है और कोई दूसरा सैंपल नहीं लगाना है, तो आप इसका टाइम पीरियड कम कर दें 50 रख दें, कि 50 तक ये रहे उसके बाद वापस बैक ऑफ हो जाएगा, टाइम कॉन्स्टेंट यहाँ पे हमने रखा हुआ है कि टेम्परेचर ओवन के हैं 20 मिनट तक, 20 मिनट्स तक ये टेम्परेचर रहेंगे, उसके बाद वो आ
आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगी, ठीक है। वैसे भी हमारा दूसरा सैंपल नहीं चलाना, हमें बंद करना है, तो डिटेक्टर के भी उसके लिए टाइम सेट रखना चाहिए कि इतनी देर तक टेम्परेचर रहे, उसके बाद फिर पुल शट डाउन हो, थोड़ी देर तक वो टेम्परेचर रहे, हो सकता है हमें दूसरा सैंपल एनालाइज करना हो, वरना क्या होगा कि आपका वो डाउन हो जाएगा, फिर आपको दूसरा मेथड देने के लिए उसको टेम्परेचर असाइन करवाएंगे, तो ये होगा कि अगर पहले से 200 होगा तो जल्दी रिट्रीव कर लेगा भाई, 200 आपका सिस्टम रेडी है, आप सैंपल लगा सकते हैं, वरना क्या कि वो फिर से वो टाइम लेगा वो टेम्परेचर रीच करने तक। ये आपको टाइम देना होगा कि इतनी देर तक वो वैसा रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सेकंड सैंपल अभी रन करना है, इतनी देर बाद करना है या कल करना है। वैसे बेहतर ये होता है किसी भी चीज के लिए कि आप उसको और एक टाइम सेट कर लें कूल डाउन में, वो तो एक सो उस जब भी आपने बंद करना है कूल डाउन मैथड चला दें तो कॉल कर दो उसको ठंडा कर लें, कूल डाउन मैथड आप ये रेंज भी आप समझ लेंगे क्या है। नहीं सर, इसमें एक और चीज़ बताता है, एक टाइम कांस्टेंट की जो बात कर रहे हैं ना, ये है कि जब आपका डिटेक्टर आइडल है तो ये 200 पे रहे या आप कूल डाउन हो जाए, तो अगर आप 200 पे रखते हैं तो वो कांस्टेंटली 200 पे रहेगा, सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं इंस्ट्रूमेंट टाइम्ड इवेंट्स, ये जो हैं बिल्कुल उसकी जो स्केलिंग हो रही है या इसकी बैकग्राउंड में जो चीज़ें चल रही है, जो उसकी जो सैंपल्स एनालाइज होंगे उसके हिसाब से उसके क्या सेट होने चाहिए, जो स्केलिंग हो रही है ये उस पर है, इसके लिए इसको नहीं छोड़ना। अगर इसको अगर ये अटेन्यूएशन तो इस इन चीजों को सोलनेट वेल लगे होता है ना जीएसपी, आप चाहते हैं कि इतने टाइम बाद वो ऑन हो जाए, ठीक है ना, आप इसमें वो टाइम इवेंट डिफाइन करोगे, ठीक है, टाइम इवेंट डिफाइन करने है उसको टाइम दोगे आप कितने टाइम पे वो ऑन हो और कितने टाइम पे ऑफ, इसका आपको जीएसपी भी नहीं लगा होगा कोई इस किस्म की चीज नहीं लगी, लिहाजा आप इसको यहाँ पे कॉन्फिगर नहीं करोगे, इसको हम डिफॉल्ट ही रहने देंगे, आप डिफॉल्ट रखोगे। सेकेंडली ये स्प्लिट है, स्प्लिट का काम यही होता है कि आपका स्प्लिट का काम यही होता है कि ये क्या करता है कि आपका जो स्मॉल क्वांटिटी सैंपल जिसको आप एनालाइज करना चाह रहे हैं, तो स्मॉल क्वांटिटी जो एनालाइज पर्पस के लिए होता है वो आपका कॉलम से पास होगा, मैक्सिमम वो जो है स्प्लिट हो जाएगा। अगर आप स्प्लिट ऑन रखना चाहते हो अपनी एप्लीकेशन वाइज, तो अगर हम इसको ऑन करते हैं रेशियो कहाँ से सेट करेंगे, कितने सैंपल कॉलम में जाए, कितना इसकी ये बबल फ्लो मीटर लेंगे ना आप जो है ये इसकी अच्छा यहाँ पे बिल्कुल स्प्लिट का वहाँ करेंगे, ठीक है, आप जितना प्रेशर इसकी कैरियर का दोगे उसके रेफरेंस से जो है ना आपका स्प्लिट का रेशियो होता है, जैसे लेट्स से कि 1:20 है या 1:20 वो अभी इस तरह ये वेल्व लगी हुई है तो फिर लंबा जोड़ा नहीं अभी एक रेशियो अभी स्प्लिट कर लेते हैं
अभी आप लोगों में मौजूदगी में सपोज 150 है वो हम सबमिट कर लेते हैं, हर एक को पता होगा जब भी ये कभी पेपर लिखना होता है कभी कुछ करना होता है नॉर्मली ये है कभी आप करना अभी होता है अपनी एनालिसिस कीजिए ठीक है उसको देखिए कि उसके रेफरेंस से हां लेकिन सीख लीजिए किस तरह करना है वो आप देख लीजिए ठीक है फिर उसके रेफरेंस से आप स्प्लिट हम देखें हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं बाकी जहाँ तक इधर के है ना इधर की सेटिंग है ना कमांड देनी है हमने इधर हमने स्पीड करना है या स्पीड नहीं करना हो तो किस रेशियो पे जाना है शॉर्ट रोल इंजेक्ट करना है या उसका कुछ पोर्शन जो है ना वो इंजेक्ट हो जाए बाकी सारे का सारा ठीक है फिर ये बताना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर के साथ तब तक छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा जब तक आपको इस चीज़ का आउटपुट पता ना हो कि ये चीज़ करने से मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है आप ठीक है वहाँ से सीख लें कि स्प्लिट का काम ये है और इस तरह ये होता है और यहाँ से ऑन भी कर लें लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्प्लिट ऑन करने से मुझे क्या डिफरेंस आया क्या फ़र्क पड़ा क्या आउटपुट वेरिएशन आए ऐसा ना हो कि आपने ठीक है अपने एनालिसिस के लिए तो ऑन कर दिया लेकिन दूसरा यूज़र उसको नहीं पता कि ऑन करने से क्या फ़र्क पड़ेगा और ऑफ़ करने से क्या फ़र्क पड़ेगा तो उसके लिए नुकसान है सीपीसी में तो ये होता है कि आपके पास ये मैनुअल है आपके पास ठीक है सीपीसी में होता है कि आप उसमें सेट वैल्यूज दे देते हैं आप वो तो ऑटोमेटिक होता है क्योंकि इसमें आपको बार बार जो है ना वो देखना पड़ेगा इसमें कोई सेट ऑफ भी नहीं है ये सेट ऑफ तो है ना ये नहीं सेट ऑफ से ऑन ऑफ है ना वर्क विद डिफरेंट वेज ऑफ से ऑन ऑफ तो फिर अगर वो करना हो तो कैसे बस वो आपको वो गलत है बबल फ्लो मीटर से आपको करना है देखना पड़ेगा कितना स्पीड है वो आपको कैलकुलेशन में उसके बाद प्रोसेस आ गया ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस चल रही हैं वो उसकी सिग्नलिंग और स्केलिंग के लिए है कि बंचिंग फैक्टर क्या रखना है नॉइस थ्रेशोल्ड क्या रखना है एरिया थ्रेशोल्ड क्या रखना है ये बेसिक पैरामीटर है बंचिंग फैक्टर नॉइस थ्रेशोल्ड और बंचिंग जो हमारी सैंपल के हिसाब से जो पॉइंट्स बन रही होती हैं कि सैंपल इतनी रेशियो इतनी स्पीड से पास हो रहा है तो उसके हिसाब से क्या पॉइंट्स बननी होंगी और उसके हिसाब से जो स्केलिंग होगी उसकी सेटिंग होती है कि बंचिंग कैसे स्केलिंग मतलब यू मीन द डेटा पॉइंट्स जी बिल्कुल डेटा पॉइंट डेटा रेट जो फ्रिक्वेंसी जो जनरेट हो रही है जो वोल्ट्स में आ रहे हैं उसकी सेटिंग्स होती है बंचिंग फैक्टर उस पर वो फैक्टर अप्लाई होकर वो रिजल्ट आएगा तो इसकी सेटिंग किस इसके आप बनी रखें हाँ अगर आपको पता है कि मेरी सिग्नलिंग के लिए या स्केलिंग के लिए फैक्टर 2 फैक्टर 3 वॉट एवर जो फैक्टर आपको पता हो तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ये कॉस्मेटिक्स है आपके एनालिसिस के और आपके स्केलिंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है नॉइस थ्रेशोल्ड क्या होता है कि कभी भी एक पीक के साथ कुछ जो है मिलीवोल्ट्स जो साइड में आ रहे होते हैं और नॉइजेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसका थ्रेशोल्ड हमें बताना होता है कि नॉइज़ का इतना थ्रेशोल्ड है उसके बाद मेरी पीक स्टार्ट होती है तो ये सेट पॉइंट्स है नॉइजेस के लिए थ्रेशोल्ड ये भी हम 1 रखते हैं मोस्ट ऑफ केसेस में कितना ऑप्शन लेकिन इसके नहीं आप चेंज कर सकते कहाँ तक जा सकता है कर सकते आप जो आपको मर्जी लिमिट को लेकिन लिमिट सिर्फ आपकी पी के हिसाब से हो सकती है कि आपका पी की 8 पी आ रही है और आपने नॉइज का भी 8 कर लिया तो ऊपर तो आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं होगी ये सिग्नल है हमारा या पी है मतलब जो साइड पीक्स आ रहे हैं वो आप इस तरीके से सिग्नल टू नॉइज रेशियो यही सिग्नल टू नॉइज एग्जैक्टली ये एरिया थ्रेशोल्ड है उसी तरह कि उस जो है उसकी एरिया भी कितनी है वो तो हाइट बताई हमने थ्रेशोल्ड की ये विड्थ बताई ठीक है थ्रेशोल्ड माइक्रो वोल्ट्स में 100 इनकी भी रेंज काफ़ी है कोई लिमिटेशंस ना है ये सारे इंटीग्रेशन पे वो मैंने बता दिया उनको पहले से ये इंटीग्रेशन है आपके पीक आ रही है ये दे दिया है कि 100 जिसका एरिया हो उनको रिजेक्ट कर दें सही है तो वो आपके वो सारे पीक्स को रिजेक्ट कर दें बिल्कुल जो थ्रेशोल्ड लेवल रखते हैं जब आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी तो आपको उसमें लिखा हुआ होगा कि ये एरिया आपको रिजेक्ट एडवांस पैरामीटर पीक सेपरेशन क्राइटेरिया ये उसका विड्थ रेशियो है कि इतनी सेपरेशन का ये आप बड़ा कम सकते हैं ठीक वैली टू पीक ये भी जो है उसकी हाइट के हिसाब से वो भी आप सेट कर सकते हैं कि कितनी रखनी चाहिए ये सिर्फ सेपरेशन पैरामीटर्स हैं कि उसकी क्या सेपरेशन एंड रेजोल्यूशन पैरामीटर्स वी कैन से आप इससे अपनी जो पीक्स की रेजोल्यूशन है जो इम्प्रूव कर सकते हैं
पीक हाइट रेशियो, एडजस्टेड हाइट रेशियो, वैली हाइट्स, ये मोस्टली हम डिफॉल्ट ही रखते हैं, यानी ये वही इंटीग्रेशन कह लें, आप इसको रिजोल्यूशन फैक्टर्स कह रहे हैं या बंच जो भी कहें, ये हम मोस्टली डिफॉल्ट रखते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि अगर ये कर लेंगे तो हमें सिग्नल के साथ क्या आप पता हो तो आप ये चेंजिंग कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस कोई नहीं है। व्हाट इज द पीक वैली? पीक वैली जो है जो आपकी पीक आ रही है उसके साथ जो हम्प होता है, एक पीक आ रही है साथ से जो हम्प है, दैट इज द वैली। अगर आपने उसको एडजस्ट करना है, उसको सेट करना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रैंप पीक के साथ बनती हुई आ रही है और वो एम शेप में बनती है, ये उनके रिजेक्शन, उनको रिजेक्शन जस्ट लाइक पहाड़ी, ये वही बेसलाइन कि बेसलाइन के लिए पंचिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, टाइम बैंक क्या होना चाहिए और वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये पीक बंच सेट बंचिंग फैक्टर है उसका, इसकी ये प्लॉट भी बताई हुई कि ये रखेंगे तो आपका ये रिजल्ट डिफरेंट, सेट नॉइस थ्रेशोल्ड, सेट बंचिंग, सेट एरिया थ्रेशोल्ड, इनेबल पीक डिटेक्शन, ये उसकी इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो वहाँ पे एक मार्क कर देगा। ठीक, उसके बाद है ऑप्शनल रिपोर्ट्स, इसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ते क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ें रिपोर्ट फॉर्मेट, अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाया हुआ अपनी तरफ से तो वो वहाँ से ब्राउज करके यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। अभी रिपोर्ट फॉर्मेट मैं आपको बताऊँगा किस तरह होती है, ठीक है? रीप्लॉट, रीप्लॉट में कुछ ऐसा पैरामीटर होते हैं जैसे जनरेट अ सेपरेट रीप्लॉट, जनरेट अ सेकेंड रीप्लॉट, नंबर ऑफ पेजेस, ये हम रिपोर्ट की पैरामीटर्स हम सेट करते हैं, हमेशा हम जनरेट अ सेपरेट रीप्लॉट ऑफ ही करते हैं। वजह यही होती है उसकी कि ये क्या करेगा कि आपका प्लॉट दे देगा, उसके बाद उसकी समरी दे देगा और एक दूसरे पेज पे एक और वाइडर एरिया में इसका प्लॉट बना देगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। जब हमारी एक ही रिपोर्ट में हमारी वो चीज़ें आ रही हैं तो हमें क्या ज़रूरत है सेपरेट रीप्लॉट की, तो इसलिए हम उसको अनचेक करते हैं ताकि हमें एक ही पेज मिले और एक ही पेज में सारी डेटा आ जाए। अब वही ये कि प्लॉट्स किस तरह होंगे उसकी ये सेटिंग्स है, रिटेंशन लेवल्स, रिटेंशन लेवल्स जो हैं वो नन हो, टॉप ऑफ प्लॉट हो या पीक क्रस्ट हो पे हो, ये हम उसकी लेवल्स का मोस्टली हम रखते हैं टॉप ऑफ प्लॉट है, ठीक है? उसके बाद कंपोनेंट लेवल, नन, एक्सपेक्टेड टाइम, एक्चुअल टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम अगर हमें पता है कि इस पीक का क्या आता है तो हम उसको वहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं पता तो हम एक्चुअल टाइम जो उसकी पीक आ रही है उसके हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लेंगे। मिसलीडिंग स्टार प्लॉट एंड एंड टाइम डिले, ये अगर आप अनचेक करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो प्लॉट स्टार्ट हो रहा है कि हमारी पीक्स 3 मिनट से 7 मिनट के तक आ रही है तो हमारा जो स्केल जो ग्राफ बनेगा वो बस स्टार्ट ही वहाँ से हो, 3 से और 10 से हो, हमें पता नहीं होता तो हम इसको अनचेक कर देंगे, वो खुद ही एडजस्ट कर लेगा उस हिसाब से, मैक्सिमम भी हो सकता है कम भी हो सकता है उस हिसाब से वो सेट कर लेगा। ये होता है कि एक्स एक्सेस पे लेबल टाइम हो और वाई एक्सेस पे रिस्पॉन्स मिली हो, उसमें आप इसको चेंज भी कर सकते हैं लेकिन वही चीज़ अल्टरनेट कर सकते हैं। स्केलिंग टाइप, वर्टिकल हो, ऑटो जीरो ऑफसेट हो या एब्सोल्यूट स्केलिंग हो, मोस्टली हम वर्टिकल स्केलिंग ही रखते हैं क्योंकि उससे बेटर विजुलाइजेशन होती है और स्टैंडर्ड भी है। स्केलिंग पैरामीटर्स, स्केल फैक्टर क्या होना चाहिए, ऑफसेट और ये फुल स्केल खुद ब खुद ऑफ हो जाते हैं क्योंकि हमने ना ऑफसेट अपना सेट रखा हुआ है ना फुल स्केल सेट रखा हुआ है, इसलिए वो डिफॉल्ट ही आ जाते हैं। स्केल फैक्टर आप बढ़ा सकते हैं कम भी कम। यूज़र प्रोग्राम, इसमें ये होगा कि आपके डिफरेंट मेथड्स बने हुए हों तो वो आप इसको पहले से ही बता दें, कमांड लाइन, यहाँ पे जो कोई भी जो रिपोर्ट के साथ कोई लाइन आनी चाहिए वो यहाँ से आ सकती है, लेकिन मोस्टली ये इन्होंने अपनी स्टैंडर्ड रखी हुई है वही आएगी। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट आफ्टर, ये एक डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो हम जी सी एनालिसिस के साथ प्रभाव है, क्वांटिटेशन होता है, रिपोर्ट जनरेशन, एनोटेड रिपोर्ट जनरेशन, पोस्ट एनालिसिस, ये कुछ पैरामीटर जो हम इसकी रिपोर्ट के साथ करना चाह रहे होते हैं तो वो रखते हैं।
ये हमेशा सैंपल एनालिसिस के बाद ही होती है, इसलिए लिखा हुआ है एग्जीक्यूट आफ्टर। ये वो पैरामीटर्स हैं जो हमेशा डिफॉल्ट ही रहते हैं, क्योंकि अभी तक इनमें किसी ने वो अपनी वो एनालिसिस या कॉस्मेटिक्स की नहीं है, ये डिफॉल्ट रहते हैं। मेथड डेवलप करना बिल्कुल कूल डाउन मेथड करना